बिहार की राजनीति में पोस्टर का बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, और आज एक बार फिर तेजस्वी यादव की इस पोस्टर से पिक्चर हटा दी गई है। जी हाँ, राजद का एक दिवसीय छात्र बैठक भी है और तेजस्वी यादव के कहीं से इस पोस्टर में नहीं दिखाई गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी महत्वता है, क्योंकि वो आने वाले समय के सीएम है बिहार के, और उसके बाद भी तेजस्वी यादव को इस पोस्टर से पूरी तरीके से नदारद कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव इस पोस्टर में दिख रहे हैं और राबड़ी देवी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, और लालू प्रसाद यादव और छात्र नेता जो युवा हैं आकाश यादव, उनकी तस्वीर है इस पोस्टर में। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव की बात करें तो उस वक्त तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा बिहार के लिए थे। उस वक्त विधानसभा के युवा चेहरा के नाम पर लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन भले बिहार में उनकी सरकार नहीं बन पाई। तेजस्वी यादव हर जगह पोस्टर में दिखे, लेकिन पिछले बार बात करें स्थापना दिवस में, तो उस वक्त भी वही स्थिति थी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई थी। और बिहार की सियासत में पोस्टरों का बहुत बड़ा महत्व है, जो एक बार फिर ऐसा ही तस्वीर देखने को मिल रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव इस पोस्टर में भले नहीं दिख रहे हों, लेकिन तेज प्रताप यादव इस पोस्टर में दिख रहे हैं पूरी तरीके से, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और जो युवा चेहरा है आकाश यादव छात्र संघ के, वो इसमें दिख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस पोस्टर में कहीं से नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर सियासत कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि राजद बिहार की भूमिका में एक बड़ा चेहरा के तौर पर है और बड़ी पार्टी के तौर पर है बिहार में, चाहे वो स्थापना दिवस के मौके पर हो या कह ले कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव था उस वक्त की बात कर ले, तो तेजस्वी यादव अपने चेहरे को पूरी तरीके से बिहार में लोगों के बीच में आए थे और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हटा दी गई थी। और लेकिन इस बार जो है तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं नाराज, अंदरूनी खाने से ये खबरें आ रही है कि नाराज चल रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं इस वक्त, और वो अपने आप को इस जो छात्र की बैठक है एक दिवसीय, उससे अपने आप को अलग महसूस कर रहे होंगे, इसके वजह से ये भी हो सकता है। तो ये पहले हम तस्वीर आपको पोस्टर दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा पोस्टर दिखाएं, क्योंकि यहाँ जब इसके पीछे वाली पोस्टर की बात कर ले तो उस वक्त तेजस्वी यादव इस वक्त इस पोस्टर में हुआ करते थे, और एक तरफ तेजस्वी यादव और तमाम जो राजद के बड़े चेहरे हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों या राबड़ी देवी हो, लेकिन इस पोस्टर में पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। देखिए क्या लिखा गया है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक दिवसीय बैठक बुलाई गई है, आप सभी को प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष एवं विषय के अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है छात्र संघ का। और कह सकते हैं कि इस पोस्टर के माध्यम से ये साफ जाहिर यही होता है कि राजद के अंदरूनी खाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की नाराजगी चल रही है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की पूरी तरीके से नाराजगी देखी जा रही है, और जो ये पोस्टर साफ तौर से यही झलकाता है कि जब इतनी बड़ी बैठक है छात्र का और तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी हैं, तो कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका है तेजस्वी यादव की बिहार में और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं, लेकिन उनके कहीं से ये तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन पोस्टर वार का जो बात कर ले तो बिहार में पोस्टर एक अलग राजनीतिक देता है, क्योंकि बिहार की राजनीतिक पोस्टरों के माध्यम से भी लोग अपने विरोध प्रकट करते हैं, चाहे अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, चाहे अपनी बातों को रखते हैं, चाहे जातीय जनगणना की बात करें, चाहे वो महंगाई की बात कर ले, तमाम मुद्दों को लेकर पोस्टर के माध्यम से भी सरकार को घेरा जाता है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से ये पोस्टर दिखाया जा रहा है, उससे साफ यही जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जो अंदर खाने में नाराजगी चल रही है, वो पोस्टर के माध्यम से दिख भी रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस पोस्टर में कहीं से नहीं दिख रहे हैं। तो इससे साफ यही जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अंदरूनी खाने में अच्छी नहीं चल रही है। हम साफ तौर से अब इस पोस्टर के माध्यम से आपको छोड़ कर जाते हैं और देखिए कि किस तरीके से इस इतनी बड़ी छात्र युवा की जो बैठक चल रही है एक दिवसीय, उसमें तेजस्वी यादव कहीं से नहीं है। और तेजस्वी यादव भले इन दिनों दिल्ली में हैं, लेकिन इतनी बड़ी बैठक में वो शामिल ना होने के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहें दैनिक।